की जय जय माता माता दी। दी चलो हमारी तैयारी हो गई है अब। हाँ। पहले जय माता दी जय माता दी। तो पापा ने बोलरी बोलरी जमा कराने आए थे इलेक्शन के चक्कर में। हम लोग स्टेशन पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का आज मेरी गेट साइड से सौम्या प्लेटफॉर्म भैया आए हैं हमको ड्रॉप करने के लिए। और हम लोग निकल रहे हैं, टाइम तो होता जा रहा है। प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट अब हम आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये 3 है बोरी बोरी बोरी। हाँ ये लगी रही। फॉर्म नंबर 2 पे वंदे भारत यहाँ पे पहले से खड़ी हुई है। हमारा C4 में है वंदे भारत। वेट कर रहे हैं, 3 बजे की ट्रेन है। दिख रहे तो स्वामी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, दूसरी बारी ट्रैवल कर दूसरी बारी ट्रैवल वंदे भारत। ये हमारी वंदे भारत। क्लीननेस तो काफ़ी है, क्लीन काफ़ी है, अच्छा लग रहा है। गो पैसेंजर बाकी वंदे भारत में लेग स्पेस भी काफ़ी है देखो, और कंफर्टेबल सीट्स हैं। आपको जर्नी करने में चाहे लॉन्ग जर्नी हो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत जय माता दी। सीट अच्छी है, स्पेसियस है, और काफ़ी पैर रखने के लिए काफ़ी जगह है। ये इसका बैग बड़ा है, उसके बाद में हम आराम से लेट सकते हैं इसके अंदर। पीछे होते हैं क्या? हाँ इसमें कुछ डिफरेंस है इस वाली वंदे भारत में। ये वंदे भारत अलग है सौम्य के हिसाब से। हाँ हम लोग ऐसे पीछे को एडजस्ट कर सकते हैं, और लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे सरकारी टाइप है, देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भैया को टेंशन आ रही है। नहीं नहीं मैं लाई हूँ माता रानी के। हमारी को पैसेंजर है हमारे साथ, उन्होंने काफी इन्फॉर्मेशन दी हमको। जैसे हम पहली बार जा रहे हैं
पहली बार सेकंड बार नहीं आप मैं तो जा रही हूँ पर ये बिटिया जो है वो पहली बार जा रही है सेकंड टाइम मैं पर काफ़ी टाइम बाद हम लोग जा रहे हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें है नहीं तो हमारे साथ अनु जी हैं जिन्होंने हमें काफ़ी बताया उधर के बारे में क्योंकि वहाँ के लोकल हैं ये जम्मू में ही रहते हैं पर दिल्ली आए हुए थे घूमने के लिए अनु जी आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा हमको और काफ़ी इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है उधर के बारे में और इन्होंने हमें टाइम मैनेजमेंट करना भी बताया उधर कैसे हम लोग उधर का टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं तो अनु जी कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ से जाओ रात को 11 बजे पहुँचेंगे ना तब आप चढ़ाई कर लो चढ़ाई करके आप सुबह 8:30 करके सुबह नीचे आना तो आज को मेरे जाना है तो आपको मैंने बोल दिया ओके हाँ टिकट करना पड़ेगा वहाँ पहले टिकट करना पड़ेगा फिर आते समय तो भैरव बाबा से होके आते समय आप टिकट मतलब वहाँ से कितना टाइम देता है वो लोगों को पता है ना तो आते समय नीचे हाँ 4-5 बजे या 6-10-11 बजे आओ आधा घंटा 2 घंटा रेस्ट करके फिर जम्मू आ जाओ जम्मू घूम फिर के फिर आप शाम को जाओ अनु जी ने हमें एक चीज़ और बताई कि जम्मू में जो सबको पता है जो रघुनाथ जी टेम्पल है उसके अलावा हमें ज्यादा नहीं पता था उधर उन्होंने बताया कि काली माता का मंदिर है सबसे पुराना है जैसे रघुनाथ जैसे है ना उससे भी बड़े है मतलब पुराना है माता जी का वहाँ पर जाके दर्शन करना चाहिए जरूरी तो उनके बारे में एक बहुत अच्छा इन्होंने किस्सा मुझे बताया था जो कुछ हाँ जो ब्रिटिश जमाने के समय में जैसे जो बाहर का पता नहीं कौन सा देश आया था मतलब झगड़ा के समय में लड़ाई के टाइम में थे हाँ वॉर के टाइम में तब ऊपर से मतलब वो बोलता है मतलब कहने का बात है मैंने भी सुनाई दिया मेरी थोड़ी आँख से देखा है ना हाँ तो फिर जैसे ऊपर से बम वगैरह फेंका था वहाँ पर जो पुल गिराने के लिए पुल है ना पुल गिराने के लिए बम गिराया था तब वहाँ पर बोलता है माता ने मतलब दिखाई नहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता या पुल भी नहीं दिखाई पड़ रहा मंदिर भी नहीं दिखाई पड़ रहा मतलब बचाया माता ने अच्छा तो ये इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने सुना है कि जो काली माता जी का मंदिर है तो वॉर के टाइम पे अब ये याद नहीं है कि कौन सी वॉर थी तो जब दुश्मन का प्लेन आया उसने बम गिराने के लिए वहाँ पे देखा तो उसे कुछ वहाँ पे दिखाई नहीं दिया ना मंदिर दिखाई दिया वो एक्चुअली पुल उड़ाना चाह रहे थे और पुल उनको दिखाई नहीं दिया तो इस तरह से माता ने उधर की रक्षा की तो ये हमें अनु जी ने एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई है तो आगे देखते हैं क्या होता है ठीक है आगे मिलते हैं बाय बाय तुम बार बार यही पोज क्यों मार रही हो कितना अच्छा मतलब हम लोग जाएंगे कटरा तक हाँ तो फुल सर्विस 350 है मतलब उसमें डिनर भी होगा फिर 350 होगा फुल शिफ्ट क्या हमारी टिकट में फूड इंक्लूडेड नहीं था तो अभी हमने इसको लिया है तो इसमें लंच प्लस डिनर देंगे हमें 350 नॉट बैड अच्छा खासा है हमारा लंच और सर्विस भी ठीक है ऐसी है कचौरी टेस्टी है और इसमें हमें क्या क्या मिला है क्या मिला है सौम्या बताओ नमकीन ये कचौरी कचौरी जिंजर चॉकलेट हमने की पीनट चिक्की क्या पीनट चिक्की और नहीं माता और साथ में है फ्रूटी जूस एप्पी सस्ती एप्पी और बस और तो बस टिकट में आप इंक्लूड करवा सकते हैं अपना लंच वैसे तो हम लोग 3 बजे की ट्रेन में बैठे वंदे भारत दिल्ली टू जम्मू इसमें आप इंक्लूड करवाएंगे तो बेस्ट रहेगा इसमें आपको मिल जाएगा स्नैक्स चाय के साथ और उसके बाद आपको डिनर देंगे पर अगर आप इंक्लूड नहीं करवाते हैं तो उसी टाइम भी आप इंक्लूड करवा सकते हैं जो कि आपको 350 के अंदर पड़ेगा उसमें ये सब चीज़ें हैं आपको लंच नहीं सॉरी स्नैक्स कैसा अच्छा लगा आपके पास भी सही अच्छा लगा आपको देंगे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दे दिया नहीं गड़बड़ में इंस्टेंट चाय ये इंस्टेंट चाय मिक्स इसमें सब कुछ होता है दूध चीनी चाय की पत्ती बस आपको एक गर्म पानी का कप लेना है और उसमें ऐसे खोल के आराम से इसमें डाल दो और विद इन अ सेकेंड आपकी चाय तैयार हो जाएगी हम सौम्या खोल के दिखा रही हैं हमें इसमें
झाड़ झाड़ के कहीं रहना चाहे। द्रौपदी की साड़ी है, चाय की इंस्टेंट टी। ये तो मैगी से भी जल्दी बन गई। मैगी वालों को दिखाओ, तरक्की कर लो अब। कोइंसिडेंस, सेम शर्ट, मुझे शर्ट चेंज करनी पड़ेगी लगता है। सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी है। अभी बोलने पे उन्होंने क्लीन कर दिया एकदम। बच्चे भी अपने मजे लेते रहते हैं। ये उसका आईफोन और ये उसका चार्जर। हमेशा गुस्से में। नहीं, असलियत में तो वो मजाक करती रहती है, खुश रहती है। ये वंदे भारत का फर्स्ट हॉल्ट, फर्स्ट हॉल्टिंग स्टेशन अंबाला। अब हम पहुंच चुके हैं हमने आला छावनी। ये पहला होल्डिंग स्टेशन वंदे भारत। लुधियाना जंक्शन वंदे भारत का सेकेंड हॉल्ट है। ये पहुंच गए हम लोग लुधियाना। हमारा डिनर आ चुका है। वैसे देखो पनीर का एक पीस 300 रुपए पनीर भी है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, ये है शाही पनीर। शाही पनीर है ना, लग तो वही रहा है। ये दाल कौन सी दाल है पता नहीं, और ये एक मिक्स वेजिटेबल है। गाइस मैंने पिछली बार भी यही दाल खाई थी। इसको पिछली बार भी यही दाल मिली थी, पिछली बार वाली है बेटा, कोई बात। ये है दही और साधु संत हम खा लेते रोटी, और ये है हमारी औती बिटिया। इसके साथ बड़ी दो बड़ी रोटी, दो चपाती। अरे पता गेहूं की नहीं लग रही, घी बिना घी के तो रोटी है। मेरे से ही ले ली थी, इतना महंगा नहीं है। अच्छा ना बिना घी के है। चलो अब टेस्ट करके बताओ कैसी है, कैसा टेस्ट? टेस्टी है, अच्छा लगा। 10 में से कितने नंबर देंगे आप इसको? 20। 100 में आप कितने देंगे? 100। ये हमारा डिनर है। खाना सच में और ट्रेन के मुकाबले काफी अच्छा है। दस में से करीब करीब
सात नंबर तो मिलेंगे नहीं, जेन्युइन अपना रिव्यू दो। बहुत बढ़िया, मजा आ गया खाके। अच्छा तो 10 में से कितने नंबर? 10। 10 में से 10। पनीर की क्वालिटी अच्छी है, पनीर की क्वालिटी अच्छी है और मिक्स वेजिटेबल का टेस्ट भी अच्छा है, चावल भी ठीक है, रोटी भी अच्छी बनी हुई है, नॉन बैड, अच्छी है, पतली पतली, दाल भी अच्छी है, मोटा है। हाँ जी मोटा है, दाल भी मोटा है, पतला नहीं है। हाँ दाल भी मोटा है। अनु जी का रिव्यू? दाल मोटा है। दाल मोटी है, पतला नहीं है और टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बढ़िया लगा आपको। सौम्या को भी अच्छा लगा, पता नहीं, हम भी एक और स्टेशन आया था कटुआ, और कटुआ के बाद है ये जम्मू, जम्मू स्टेशन पे रुके हुए हम लोग, मतलब ये चौथा, उसके बाद सीधा कटरा। हमें अब तक पहुंच जाना चाहिए था 11 बजे, अभी हम लोग 53 किलोमीटर दूर हैं कटरा से, और सौम्या इसके लिए बहुत अच्छा गाना गा रही है। गाना है सौम्या का, इसकी आँखें तरस गई, अब तो आजा। चलो पहुंच जाएंगे, अभी हम लोग आधा घंटा और लगेगा। चल गई ट्रेन चल पड़ी है, चल गई। और जम्मू को हम छोड़ रहे हैं, जम्मू स्टेशन को आगे चल रहे हैं। ज़्यादातर पैसेंजर जम्मू में उतर चुके हैं, आधे से ज़्यादा ट्रेन खाली हो चुकी है, बस काफ़ी सारी सीटें हैं, बस लेट लेट के जाओ यहाँ। हमारी ट्रेन निर्धारित समय से 1 घंटा लेट है और हम इंतजार कर रहे हैं। और अब हम करीब करीब पहुँचेंगे 12 बजे के बाद, 12-12:30 के करीब। कोई बात नहीं, जय माता दी, बस थक गए हैं और कुछ बात नहीं। जय माता दी, उधमपुर आ गए, उधमपुर आ गया। ये 5वां और आखिरी स्टेशन है दिल्ली से कटरा के बीच में, ट्रेन 1 घंटा लेट है। वैसे कहते हैं कि लेट नहीं होती है दुरंतों, पर 1 घंटा लेट है ट्रेन किसी वजह से, वो वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो आपकी बस रात मंगल में। दिल्ली वासियों, आपने कहा कि आपकी रात मंगल में हो, कल मंगल ही है तो मंगल में ही होगी। अब हमारा सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया है जाने के लिए। चलो अभी 2 किलोमीटर है, पर सौम्या को बहुत जल्दी मची हुई है जाने की, तो ये पहले ही आके खड़ी हो गई है यहाँ पे। अभी हम लोग खुशबू अभी हम लोग स्टेशन पे कदम रखने वाले, जो कि करीब हमें 1 घंटा लेट हो गया है कम से कम। वैसे होना नहीं चाहिए था पर कुछ हो गया था जिसकी वजह से ट्रेन लेट हो गई, हमने धक्के भी मारे थे उसे पर फिर भी जोर से चला नहीं पाए। खुल जा सिम सिम से दाएं तरफ खुलेंगे, ऐसे स्लाइडिंग यू नो, ऐसे ऐसे स्लाइडिंग, लेकिन अभी ना थोड़ा टाइम लगेगा। चलते हैं चलते हैं, दिखाते हैं आपको माता का दरबार। जय माता दी। चलो अभी हम लोग बस उतरने वाले, देखें बाहर का नजारा। हम पहुंच चुके हैं कटरा, अब रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं।
कम अपने देना ही कटरा पहुंच चुके हैं, कटरा पहुंच गए हैं स्टेशन पे, एक घंटा लेट। होटल जाके फोन करती हूँ, ठीक है? ठीक है, सो जा तू, मैं मम्मी को बता दूंगी। गेट, जय माता दी, जय माता। ये हमारी ट्रेन, अरे हम पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे। ये कटरा रेलवे स्टेशन जयकारा भी लगा दिया है। हम पहुंच चुके हैं, हम लोग 12 बजकर 22 मिनट हो चुके हैं। यहाँ के एनर्जी कुछ अलग है, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आने के लिए। ये है कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे ही आप यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं, इसका काम है। सुनो, लेट हो गया। कटरा रेलवे स्टेशन जो है वो सी लेवल से 2500 फीट की ऊंचाई पे है। अभी हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं स्टेशन से, जो कि हम लोग कोई कन्वेंस लेके अपने होटल तक जा सके। यहाँ पे यात्रा पर्ची बन जाती है, पर अभी काउंटर्स बंद थे तो हमें सुबह ही बनवाने पड़ेगी। अब हम लोग यहाँ से लेते हैं कन्वेंस और जाते हैं अपने होटल। सर्वे थोड़ी बहुत कटरा में मंदिर ऐसी जगह घुमाएंगे ना। तो भैया है हमारे साथ, इनका नाम है मिंटू डोकरा। तो भैया ने हमें बोला है कि हमें यहाँ पे और घुमा सकते हैं। 24 घंटे सेवा करना हमारा काम, ना शिफ्ट वाइज होगी उनकी, है ना भैया? शिफ्ट वाइज होता होगा ना आपका? अच्छा, रात की शिफ्ट आपकी है? तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल के लिए। मार्केट है? नहीं, वो आगे है। अच्छा, अभी हम रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं भैया के साथ। लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में, लेट नाइट चेक इन हो रहा है और सौम्या चेक इन करवा रही है। अभी हमारे साथ डेस्क में है, बेड आए हैं हम थके हारे से। सौम्या आई है अभी ऑर्डर देके चाय कॉफ़ी का। तो ये टॉवल हैं, साफ़ सुथरे से टॉवल हैं, पर हम यूज़ नहीं करने वाले। बेड है, बेड भी साफ़ सुथरा अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, वेरी नाइस, वेरी क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा है, जो कि मेन है। बाथरूम साफ़, तो सब कुछ साफ, बढ़िया मस्त है। इनका वाईफाई, ये हमारा बेड। अभी सौम्या जो है अपना अनपैक कर रही है सामान। एसी है और टीवी है, देखें टीवी में क्या रहा है। चलाऊं क्या रजाई के अंदर? और बहुत ठंड है, इतनी ठंड है कि हमने पंखा चला रखा है। स्पीड पे पंखा चलाया हुआ है, मैं कह रही ठंड हो रही है, फुल स्पीड पे पंखा है और कम्फर्टेबल है, गंदे तो रूम भी अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात, साफ़ सुथरा है, अच्छे हैं, न्यूली बिल्ट है और रेलवे स्टेशन के एकदम पास में है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई रेल से आ रहे हैं तो उसे यहाँ पे स्टे करना चाहिए। 700 मीटर दूर है सिर्फ रेलवे स्टेशन से होटल। आप चाहें तो वॉक करके भी आ सकते हैं। अगर सुबह आ रहे हैं तो वॉक करिए, रात को आ रहे तो ऑटो लीजिए, 150 रुपीज़ का। ज़्यादा महंगा नहीं है, अच्छा है, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं कोऑपरेट करने में। सौम्या को छोड़ो। अब आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
कल मिलेंगे आपसे नई ऊर्जा के साथ। चलो फिर, गुड नाइट, सी यू।